कटनी में सरकारी अस्पताल के मेंटेनेंस कार्य के नाम पर लाखों रुपए खर्च हो गए, लाखों रुपए। लगा कि अस्पताल की सूरत बदल जाएगी, नई सुविधाएं मरीजों को मिलेगी, पर यह कैसी सुविधाएं मिल रही हैं जो देखने पर भी नजर नहीं आ रही है। अस्पताल पहुंच रहे मरीजों को कई तरह की असुविधाओं का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि कौन शख्स है वो जो अस्पताल की सुविधाओं को बेहतर बनाने में लगने वाला लाखों रुपए खा गया और सारे अधिकारी शासन प्रशासन नींद में सोता रहा। बड़वारा सामुदायिक के स्वास्थ्य केंद्र में कुछ महीने पहले मेंटेनेंस कार्य शुरू हुआ। लोगों को लगा कि अस्पताल की सूरत बदलेगी और अच्छी सुविधाएं भी मिलेगी। मेंटेनेंस के नाम पर लाखों रुपए खर्च भी हो गए और काम हुआ जीरो बटा सन्नाटा। ऐसे में ग्रामीण भी दंग रह गए कि लाखों रुपए कहां चले गए, ये कैसा नए तरीके का विकास हुआ है जो आम लोगों को नजर ही नहीं आ रहा। ढूंढने पर भी वड़वारा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में सुविधाएं नहीं दिखती। ग्रामीणों का कहना है कि जब अस्पताल का मेंटेनेंस का कार्य चल रहा था, शक तो तभी हो गया था कि दाल में कुछ काला नहीं बल्कि पूरी दाल ही काली है। मेंटेनेंस कार्य की गुणवत्ता से छेड़छाड़ हो रही है, जिसकी शिकायत ग्रामीणों ने सीएम हेल्पलाइन पर की, पर अधिकारी शिकायत सुनकर सो गए होंगे, इसलिए कोई कार्रवाई नहीं हुई और आज अस्पताल की हालत सबके सामने है। स्थानीय ग्रामीण राघवेंद्र सिंह का कहना है कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में आईसीयू वार्ड बनकर तैयार है, लेकिन आईसीयू वार्ड को भी जनरल वार्ड बना दिया गया है। लापरवाही बड़ी है, ऐसे में जांच होना चाहिए और ठेकेदार और सभी जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होना चाहिए, ताकि ये नसीहत बन सके उन लोगों के लिए जो इस तरह का भ्रष्टाचार कर रहे हैं या इस तरह का भ्रष्टाचार करने की सोच रहे हैं। बड़वारा समुदाय केंद्र में करीब 5-6 महीने पहले लाखों की लागत से मरम्मत कार्य करवाया गया था, अस्पताल का मेंटेनेंस का कार्य करवाया गया था, जो कि जिसकी शिकायत हमने निरंतर गुणवत्ता को लेकर निरंतर शिकायत हमने जिम्मेदार अधिकारी को सीएम हेल्पलाइन के माध्यम से शिकायत की थी, लेकिन जिम्मेदार अधिकारी ने किसी भी तरह का उसमें कोई मामला संज्ञान में नहीं लिया था। नतीजा आज ये निकल रहा है कि पूरी वहाँ की जितनी भी सुविधाएं क्षतिग्रस्त हो रही हैं, टाल्स टूट रहे हैं, आईसीयू रूम का वहाँ पे निर्माण किया गया था 25 बेड का, वो आईसीयू बेड का निर्माण जो मरीजों को मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है, और अस्पताल में चारों तरफ इतनी गंदगी फैली हुई है और डॉक्टर है तो अपने निजी क्लिनिक चलाने में व्यस्त है। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।